की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, सुपर फास्ट रेसिपी है और फादर्स डे स्पेशल रेसिपी है। ये हैं हमारे मैगी के रोल्स हैं। ये बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है। तो चलिए देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं ये ब्रेड रोल्स। और ये देखिए अंदर से भी कितने क्रिस्पी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारे मैगी रोल्स। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मैगी के ब्रेड रोल्स, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी 5 मिनट में मुश्किल से बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हम मैगी रोल्स बनाने की तरफ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने जो है ये मैगी है और पास्ता, इसको मैंने बना के रख दिया है। आपको इसको सिंपल सा बनाना, जैसा आप बनाते हैं वैसे ही बनाना। बस इसमें जब आप बनाते हैं पानी डालते हैं तो इसमें सिर्फ आप 1/2 स्पून जो है गरम मसाला ऐड कर देना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। एज इट इज़ जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना के मैंने ये इसको देखिए तैयार करके रख दी है। अगर आप चाहें तो इसमें आप पास्ता नहीं भी डाल सकते हैं, आप इसको सिर्फ मैगी से ही बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैगी है ये तैयार कर दी है बना के, ये रेडी है। अब जो ये ब्रेड आपको दिख रही है, मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ले ली है। अब मैं इसके जो ये साइड्स हैं, सबसे पहले मैं इसके साइड्स जो है ये मैं इसके साइड्स कट कर दूंगी। सबसे पहले जो है ये ब्रेड हैं, इसके साइड्स पूरे ये देख लीजिए, ये सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, अब ये पानी में मैं इसको ऐसे डिप कर दूंगी। ये देखिए इसको मैंने ऐसे ये डिप करके, ये देखिए ये पूरा गीला हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं ये हाथों की मदद से ऐसे मैं है इसको पानी जो है इसका पूरा निकाल लूँगी। कैसे याद रखिएगा, आपको पानी इसका जो है बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल आप इसको अच्छे से निचोड़ दीजिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो ये मैगी बॉईल कर और सॉरी मैगी जो मैंने बना के रखी है इसको मैं, ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें डाला मैंने ऐसे करके, इसको आप इसमें डाल दीजिए, ये डाला मैंने। अब इसको आप ऐसे करके या आप ऐसे करके ये ऐसे फोल्ड कर दीजिए इसको, ये देखिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये दोनों तरफ से ये और ये इस साइड से भी आपको ऐसे प्रेस करना है इसको, ताकि ये रोल्स जो है बहुत ही अच्छे से बिल्कुल भी जब हम इसको डीप फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी हमारा जो मैगी है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो चारों तरफ है हम उसको अच्छे से बंद कर दें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी की जो हमारी ब्रेड है उसको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी, एक एक करके सारी एक एक करके ये सारी ऐसे करके रख लेंगे हम लोग। क्या करूँ, मैंने ब्रेड रोल्स ये सारे बना के तैयार कर दिए हैं। अब मैंने जो है एक कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम करने के लिए। अब ये तेल जो है ऑलमोस्ट जो है गरम हो चुका है, ऐसे करके मैं देखती हूँ इसको। हाँ तो ये ज़्यादा गरम भी नहीं, इतना गरम भी नहीं होना चाहिए कि जल जाए। अब ये एक एक करके मैं इसको डालती हूँ, ये देखिए ये मैंने डाल दिए। अब मैं इसको तब तक सेक लूँगी जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते हैं। और तेल जो है मैंने इसको जो है मीडियम पर ही रखा है, ये फुल है ये फुल मीडियम पे। और आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो इसका थोड़ा क्रंचीपन है वो नहीं रहेगा, जो ऊपर से ही अच्छा सा दिखता है हमको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में। तो देखिए अब ये हम इसको पलट लेते हैं, ये देखिए देखिएगा कितना सुंदर कलर आया है इसका, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। या यू कैन सी ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी क्विक रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ये देखिए स्प्रिंग रोल्स जो हैं हमारे मैगी के, कितना अच्छा कलर आया है। अब ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए
अब इसी तरह से जो है मैं बाकी के जो मेरे रोल्स हैं मैं उनको भी ऐसे ही कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये आपको गरम में ही डालना है, ऑयल जो है गरम होना चाहिए, ठंडे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए इसी तरह से मैं ये बना लूँगी बाकी के। तो ये जो हमारे मैगी रोल्स हैं बन के तैयार हो चुके हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।